नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे और आपकी गार्डनिंग भी अच्छे से चल रही होगी। और मैं अंजू जम्मू से। और फ्रेंड्स, आज मैं सुबह सुबह उठी, काफ़ी बारिश हो रही थी और आज का जो मेरा वर्क होने वाला था वो ये आपके सामने ही एक प्लांट है। ये पर्पल हार्ट का प्लांट है और बड़ा इजी टू मेंटेन और बड़ा लो मेंटेनेंस प्लांट है। और इस प्लांट की केयर सिर्फ यही है कि इस प्लांट को बिल्कुल भी रफ रख दीजिए और ये जितना रफ रहेगा ये उतना ही खूबसूरत लगता है। और ये आप देख सकते हैं, आज मैं इसकी एक बास्केट प्रिपेयर करने वाली थी और सोचा आप सबके साथ शेयर करूं। और ये देख सकते हैं, ये मेरा एक काफ़ी पुराना प्लांट है और टाइम ना होने की वजह से आप ये देख ही सकते हैं इसकी क्या हालत हो चुकी हुई है। तो मैंने सोचा इसकी जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं ये आप देख ही सकते हैं, तो इसको कट कर दूं और फिर एक इससे भी कुछ प्लांट्स मैं प्रिपेयर कर लूँगी। और आज का जो टॉपिक है वो मेरा इसी पर होने जा रहा है कि हम पर्पल हार्ट की जो एक बास्केट है वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए सॉइल कैसी होनी चाहिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर मैं इसके कुछ ब्रांचेस जो है एक्स्ट्रा ये कट कर दूँगी ताकि ये प्लांट भी, इसको भी अब बारिशें बड़ी ज़्यादा हो रही हैं, प्रॉब्लम ये है। और जो सॉयल है वो हरदम ही गीली रहती है और ये जो ब्रांचेस है ये बड़ी एक्स्ट्रा है, बड़ी रफ सी हो चुकी हुई है जो अच्छी भी नहीं लग रही देखने में। और थोड़ा सा प्लांट और प्लांटर जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। बड़ा सुंदर प्लांट है। सबसे पहले मैं एक बात बताऊँ, मुझे ये प्लांट ना पहले इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे जाके ये प्लांट जो है वो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। इसका जो कलर था, इस पर ये जो छोटे छोटे जो फ्लावर्स आते हैं मुझे बड़े ही सुंदर लगते हैं। और कितना ब्यूटीफुल कुदरत ने भी कितना सुंदर कलर बनाया हुआ है इसका, ये आप देख सकते हैं। इसकी मैंने ये सारी जो ब्रांचेस हैं ये कट कर दी। तो अब ये जो प्लांट है ये मेरा, ये आप देख सकते हैं, ये एक्स्ट्रा जो इसकी डेड लीव्स थी, जो एक्स्ट्रा जो इसकी ये जो इसकी जो लीव्स थी वो अच्छी नहीं लग रही थी और उसकी वजह से इसको मैंने काफ़ी इसको हल्का कर दिया हुआ है। और बेसिकली बारिशें बड़ी ज़्यादा हो रही थी और काम भी नहीं कुछ हो रहा था। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने काफ़ी हद तक इसको हल्का कर दिया हुआ है। तो आप भी यही करिए कि रेनी सीज़न में जो भी पॉट जो बड़े ज़्यादा फुलफिल हो चुके हैं और जो लीव्स जो टहनियाँ हैं जो एक्स्ट्रा जो आपको लग रहा है कि वो अच्छी नहीं लग रही हैं, तो आप उनको हल्का कर सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पर भी, ये देखिए, ये भी मेरा एक बड़ा पुराना एक वो प्लांट है। तो अब मैंने ये जो इसके ये आप देख सकते हैं, ये इसके लिए जो मैंने पॉटिंग मिक्स जो लिया हुआ है ये मैं बताती चलूँ। इसमें मैंने थोड़ी सी सॉइल, वेलड्रेन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट है और इसके साथ मैंने पेरलाइट रखा हुआ है और उसके साथ कोकोपीट रखा हुआ है ताकि जो हमारे हैंगिंग प्लांटर हैं वो काफ़ी हल्के रहें। और ये देखिए फ्रेंड्स, सॉइल मैंने इसमें थोड़ी सी ली है, वर्मी कंपोस्ट मैंने रख ली थी। और आप भी जब भी पॉटिंग मिक्स प्रिपेयर करें तो कोशिश करें कि थोड़ा सा हल्का रहे मिट्टी। थोड़ी सी सॉइल मेरी थोड़ी सी इसमें गीली थी बिकॉज बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक पॉटिंग मिक्स इसके लिए प्रिपेयर करा हुआ है। तो ये इसके साथ साथ मैं यहाँ से पहले कुछ अच्छी जब भी आप कुछ भी ब्रांचेस वगैरह जो भी कट करें फ्रेंड्स, तो कोशिश करें बड़ी अच्छी और सुंदर वाली ब्रांचेस इसके लिए। और ये अब मैं यहाँ से ब्रांचेस कुछ छोटी छोटी सी ब्रांचेज हैं जो मैं इसके साथ ही कट करूँगी। ये फ्रेंड्स, बस बड़ी छोटी छोटी लेनी है, बड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। बड़ी ज़्यादा रफ और बड़ी लंबी लंबी ब्रांचेज मत इसको ग्रो करें। ये भी सारी लग जाएंगी, अगर मैं इसको भी लगाना चाहूँगी तो ये भी लग जाएंगी। यहाँ से ले लेती हूँ कुछ, मैं इसको भी मैंने ये थोड़ा सा इसको भी हल्का कर देना था बिकॉज ये बिल्कुल, ये एक प्लास्टिक की बॉटल में था और ये भी बिल्कुल भी एक साथ झुक रहा था बड़ा, और बैलेंस न होने की वजह से आपने देखा कि अभी भी ये एक साथ गिर रहा था।
ये एक्स्ट्रा जितनी भी ब्रांचेस ही मैं इसको थोड़ी सी रफली मैं इसको प्रिपेयर कर लेती हूँ और फिर मैं आपसे, तो ये भी ये जितनी ब्रांचेस है ये वेस्ट नहीं है, इससे आप कितने प्लांट्स बना सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना इससे आपके कितने प्लांट्स बन जाएंगे। ये मैं उठा के इसको, थोड़ा साइड पे कर देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आप देख ही रहे हैं, ये मैंने कुछ कटिंग्स मैंने इधर ये मैंने रख ली हैं पर्पल हार्ट की, और ये एक प्लांटर है जिसमें मैंने एक छोटा सा एक हल्का सा एक छोटा गमले का टुकड़ा रख दिया इसके ड्रेनेज होल पे। तो अब मैं इसको सॉइल से प्रिपेयर फिल कर दूंगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं और सॉइल भी इसमें डाल दूँ, लेकिन मुझे लगता है इतनी सफिशिएंट है। तो अभी आपने क्या करना है, ये छोटी छोटी सी कटिंग है इसकी, जो एक्स्ट्रा जो लीव्स हैं वो हटाते जाना और इसको मैं इसके साथ फोल्ड कर देती हूँ। हैंगिंग बास्केट जब भी आप इसकी प्रिपेयर करें तो कोशिश करें कि इसकी जो सॉइल है वो काफ़ी सॉफ्ट होनी चाहिए। मुझे वैसे ये प्लांट जो है बड़ा इसके कलर, इसके जो मुझे कलर हैं वो बड़े ही अच्छे लगते हैं, और लेकिन जब ये प्लांट बड़ा रफ़ और बड़ा ज़्यादा फैलने लग जाता तब इसकी थोड़ी सी लुक इतनी ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगती, बिकॉज कुछ ज़्यादा ही रफ़ लगता है। और सबसे बड़ा इसका रफ़ लगने का कारण क्या होता है, जब इस पर वाटर गिरता है तो उसके जो निशान है कुछ वाइटिश जो निशान है वो भी इस पर आ जाते हैं। लेकिन इनके लीव्स को जितना रफ़ रखा जाए या जितना इनको थोड़ा सा इसके लीव्स को क्लीन किया जाए तो बड़े ही सुंदर लगते हैं। और ये प्लांट भी ये देखिए इस पर फ्लावर्स आया हुआ, बड़ा ही सुंदर लगता है। तो ये मैं सारी ये आज इसी पर ही वर्क होने वाला था, ये देखिए। तो अब इतनी इसकी जो मैंने इसकी इतनी ब्रांचेज इसकी जो मैंने कट करी हैं तो इसकी भी कितने प्लांट्स बन जाएंगे। इसलिए तो कहते हैं सिर्फ आपको एक प्लांट या एक कटिंग कहीं से लाने की ज़रूरत होती है, उसके बाद आप बस आपके पास ये जो आप देख रहे हैं ये भी मैं लगा देती हूँ। छोटे छोटे फ्लावर्स की लगता है, आपको नहीं लग रहा कि जैसे छोटे छोटे सुंदर ब्यूटीफुल से फ्लावर्स लग रहे हैं आपको, बड़ा ही सुंदर लगता है। मुझे इस तरह से इसको ग्रो करना बड़ा अच्छा लगता है। आज मैंने कुछ ऐसे स्टिक वगैरह नहीं ली जिससे ये मैं इसे होल कर सकूं, थोड़ा भूल सी गई क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं होता और मुझे होता है कि मैं एक वीडियो शूट कर लूं और सॉइल भी काफ़ी इसको मैं इससे काफ़ी, वैसे तो ये सफिशेंट है, इसमें इतनी कटिंग्स जो हैं इस प्लांटर में सफिशेंट है। और एक दो दिन के लिए आप इसको किसी भी थोड़ी सी एक दो दिन आप इसको शेडी एरिया में रख दीजिए, बाद में आप इसको अपने इसको जहाँ पे भी आप चाहते हैं इसको प्लेस कर दीजिए। और बड़ा ही ब्यूटीफुल लगता है, बड़ा लो मेंटेनेंस है मेरा, तो ये डायरेक्ट सनलाइट में भी ये मेरा रखा हुआ होता है और बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे। जितनी ज़्यादा धूप होती है ये प्लांट इतना सर्वाइव कर रहा होता है। और इसको मैं थोड़ा, वैसे तो ये मेरे सॉइल काफ़ी वो थी, ज़्यादा मुझे इस पर वाटर करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ ये जस्ट मैं इसको प्लांट को थोड़ा सा मैं वॉश कर लूँगी बाद में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने ही
एक प्लांट था मेरे पास, उससे अब मैं कितने प्लांट्स बनाऊंगी। ये तो मैंने अभी एक बास्केट इसकी प्रिपेयर करी है, और पॉट में भी मैं इसको शिफ्ट करूंगी, क्योंकि ये मैं ब्रांचेस जो एक्स्ट्रा है वो मैं इसको कट नहीं करूंगी, सॉरी इसके ब्रांचेस को मैं फेंकूंगी नहीं, और जितना हो सके इसको यूज़ करने की कोशिश करूंगी। तो आशा करती हूँ आज का जो टॉपिक है मेरा ये प्लांटर बनाने का, हैंगिंग प्लांटर बनाने का, आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड